से आई थिंक ये चीज़ होती है कि आप कंटिन्यू क्रिकेट खेलते हो टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए कंटिन्यूसली आप खेलते हो, तो आपको एक श्योरिटी रहती है। और उसके बाद जब आप प्रेशर सिचुएशन में जब आप अच्छा करते हो, तो उसके वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको हर बार कुछ ना कुछ सिखाता है। आप ऐसा नहीं है कि हर बार प्रेशर सिचुएशन में कुछ अच्छा करोगे नहीं करोगे, कभी कभी आप फेल भी होते हो, लेकिन वो चीज़ आपको सिखाती है कि मैं उस सिचुएशन में ये कर सकता था और ये नहीं कर सकता था। तो वो काफ़ी मुझे सिखा है लास्ट 1 ईयर में, आपने जैसे बोला ओवरऑल, तो वो चीज़ें सीख के जब मैं अच्छा करता हूँ तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब वैसी सिचुएशन आती है तो मैं बॉक डाउन नहीं होता हूँ, और ना मैं ये सोचता हूँ कि नहीं नहीं मुझे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, मैं ये कर देता हूँ। जो मेरी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर मैं और फोकस करता हूँ और काम रहने की कोशिश करता हूँ कि ऑब्वियसली उसने अगर अच्छा शॉट मार दिया है तो भी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे पता है ऐसी सिचुएशन में मैं पहले भी आ चुका हूँ। सो आई थॉट वो मुझे काम में आ रहा है। और या ओवरऑल आप अच्छा करते रहते हो तो वो कॉन्फिडेंस भी आपके साथ रहता है। और अगर जैसे बोला कि लास्ट 1 मंथ पहले अभी जब वर्ल्ड कप भी खेल के आए हम, तो वो कॉन्फिडेंस उसमें भी अच्छा किया है, तो वो कॉन्फिडेंस और कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो आई थिंक इस वो मुझे फ़ायदा कर रहा है। नो आई थिंक व्हेन वी आर बैटिंग वी नो दैट विकेट वाज गुड, एंड व्हेन वी आर बॉलिंग आई थिंक विकेट गॉट बेटर एंड बेटर इन द नाइट टाइम। आई थिंक बिकॉज ऑफ मॉइस्चर और कोल्डनेस ऑफ द वेदर आई थिंक विकेट गॉट बेटर एंड बेटर। सो वी न्यू दैट वी हैव अ गुड स्कोर ऑन द बोर्ड, सो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट दे आर अहेड। आई नो दैट दे आर गोइंग 10 रन्स पर ओवर, बट दैट वी ऑल आर टॉकिंग दैट गेम इज स्टिल ऑन, दे हैव टू स्कोर रन, वी ऑलरेडी पुट द स्कोर कार्ड, वी पुट द स्कोर ऑन द बोर्ड, सो दे हैव टू मेक द स्कोर। एंड वी ऑल्सो नो दैट वेन वी आर बैटिंग दैट आफ्टर गेटिंग ओल्ड बॉल वी इट्स नॉट ईजी टू हिट, एंड दैट्स द आइडिया वी आर थिंकिंग अबाउट। एंड यार वेन वी न्यू दैट वी आर 1 विकेट अवे, इफ वी गेट 1 विकेट ऑफ दैट एंड देन आई थिंक दे कैन कॉलेप्स ऑल्सो, सो या दैट द थिंग्स वी आर थिंकिंग। अलग इंटेंट की बात हो रही है, बट वो डिपेंड भी करता है सिचुएशन के हिसाब से। आप ऐसा नहीं है कि अगर विकेट आपको ऑफर करता है कि गुड विकेट है और आप अपने शॉट्स खेल सकते हो, तो वो इंटेंट होना चाहिए, और वो आपने देखा भी कि पावर प्ले में है। बट अगर विकेट वो ऑफर नहीं कर रहा है और आप जबरदस्ती वो कर रहे हो, तो वो इंटेंट नहीं है। बट ऑब्वियसली वो अलग इंटेंट की बात यही कर रहे हैं कि हाँ हम इंटेंट के साथ जाएंगे, क्योंकि वी नो दैट वी हैव 8 बैट्समैन, सो 8 बैट्समैन के साथ आपको पता है कि आप आगे और कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो एक इंटेंट रहना जरूरी है कैसी भी विकेट हो, बट वो इंटेंट है उधर अगर। बट डिपेंड करता है कि वो विकेट आपको अलाउ करता है कि नहीं करता है, तो वो आई थिंक स्मार्ट चॉइस है कि आप उस विकेट पे क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है। और आज उनको पता था कि विकेट अच्छी है तो वो अपने शॉट्स खेले। से मैं आपने जैसे बोला कि 10 साल से खेल रहा हूँ, अलग अलग कोच के साथ और कप्तान के साथ खेला हूँ, सो आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा ज़्यादा चेंज होगा टीम में। और यू नो दे ऑल आर एग्री ऑल्सो, देन व्हेन वी आर टॉकिंग इन टीम मीटिंग उन्होंने भी यही बोला सेम थिंग कि सी टीम में कोच आते हैं कैप्टन आते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन टीम यही की यही रहती है, और वो 11 प्लेयर या 15 प्लेयर जो भी रहते हैं उनको ही करना होता है, सपोर्ट स्टाफ आता है और चला जाता है। सो उन्होंने अपने हमको वही बोला है कि जो आप खेला खेलते आए हो वैसा ही खेलेंगे, या ऑब्वियसली कि कोच का और उसका इनपुट अलग अलग रह सकता है, थिंकिंग अलग अलग रह सकती है, सो वो हम हियर एंड देयर थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहते हैं, लेकिन टीम के एटमोसफियर में या उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। और आई थिंक सूर्या भाई के साथ, जैसे आपने बोला कि सूर्या भाई के साथ मैंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी खेला हुआ था, तो मुझे पता है कि वो बॉलर्स कैप्टन भी है, उनको पता है कि वो सब बॉलर्स को छूट भी देते हैं कि आपको फ्री हैंड देते हैं कि आप पहले आपकी डिसाइड करो, जब भी आपको मार भी पड़ती है तो वो आके बोलते हैं कि अच्छा बॉल था ये था, वो आपको इनपुट भी देते रहते हैं। तो आई थिंक एज अ प्लेयर भी उनके साथ अच्छा बॉन्ड है, और एज अ कैप्टन भी मैं लास्ट 5 मैच भी उनके साथ खेला था और आज भी जो खेल रहा था, तो सेम आई थिंक कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लगा मुझे। और यू नो पहले 3 ओवर में भी रन जा रहे थे तो वो मुझे बोल रहे थे कि हम ये कर सकते हैं, हम विकेट लेने के लिए जा सकते हैं, उसका कोई फ्लैग
दिक्कत नहीं, अगर उसमें एक चौका छक्का चला जाएगा तो यू नो, तो आपको एज अ बॉलर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वो चीज़ से कि हाँ, अगर आपको कप्तान बैक कर रहा है, बोल रहा है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, सो या सी, आई थिंक स्ट्रेटेजी ये है कि हमारे टीम में 4 लेफ्टी और 4 राइटी है, सो यू नो, अगर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होता है तो बॉलर्स के लिए बहुत ही हार्ड रहता है कि लाइन भी पकड़ना और लेंथ भी पकड़ना कंटिन्यूसली जब सिंगल रोटेट होते हैं, तो या वही स्ट्रेटजी थी कि 4 लेफ्टी है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो कि एक ही टाइम पे अगर 2 लेफ्टी 2 राइटी ना आए, अगर आपके पास वो चांस है, अगर आपके पास वो बैटिंग में प्लेयर्स है तो क्यों यूज़ ना किया जाए, सो आई थिंक वही स्ट्रेटजी थी एंड मे बी ये यही स्ट्रेटजी रह सकती है अगेंस्ट, वो भी सोचना होता है कि उनके ओपोनेंट में क्या बॉलर है और क्या नहीं है, सो उसके हिसाब से बैटिंग ऑर्डर चेंज होता रहता है. नो, इट्स नॉट दैट प्लान दैट वी आर जस्ट प्लेइंग इजी विद हसरंगा. इट्स अ विकेट डूइंग अ बिट व्हेन वी आर बैटिंग एंड ही गॉट अ विकेट ऑन फर्स्ट बॉल, सो मे बी एंड आफ्टर ऋषभ गोइंग देयर एंड सूर्या इज देयर, सूर्या गॉट फर्स्ट बॉल एज ऑल्सो इन द स्लीव, वी आर गॉन फॉर अ फोर, सो मे बी दैट्स वाई दे आर टेकिंग अ मच टाइम एंड वी गॉट बैक टू बैक 2 विकेट्स आफ्टर सेटिंग शुभमन एंड यशस्वी गॉट आउट आफ्टर सेट, सो दैट्स वाई ही गॉट अवे विथ 2 ओवर्स एंड इट्स नॉट दैट प्लान दैट वी आर प्लेइंग सेफ टू हशरंगा, इट्स विकेट दैट हेल्प अ बिट टू हिम, सो एंड ही बोल्ड वेरी वेल बट इट्स नॉट दैट प्लान दैट वी आर प्लेइंग हशरंगा इजी. इट्स मैसेज कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर द फाइनल ऑल्सो एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल, बेस्ट टीम विन एंड गुड लक टू द इंडियन वुमन ऑल्सो दैट फ्रॉम इंडियन मैंस टीम, डू वेल इन द फाइनल एंड ब्रिंग एशिया कप होम एंड ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर द श्रीलंकन टीम ऑल्सो एंड या डू वेल, प्ले हार्ड एंड गो वेल.